Now, children, let's move on to chapter number 9, and the name is Our National Flag. So, we will study our national flag about it. So, it is a symbol of free country. This is our national flag. It is any country ka national flag. उस कंट्री को क्या बताता है कि ये बताता है कि कंट्री फ्री है, ये सिंबल है. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया एंड अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947. सो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे पिंगाली वेंकैया ने बनाया था एंड इसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे जो है एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को, अ फ्यू डेज बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस. इंडिया के इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले की ये बात है. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड तिरंगा, जिसे हम ट्राई कलर भी कहते हैं. तो इंडियन फ्लैग को हम तिरंगा कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल साइज बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. इसमें अलग अलग तरीके के 3 इक्वल बैंड्स आपको मिलते हैं. पहला है डीप सैफ्रन, जिसे हम केसरी भी कहते हैं. ये सबसे ऊपर होता है, टॉप पे होता है. व्हाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम. इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील. तो जो व्हाइट बैंड है उसके बीच में आपको एक नेवी ब्लू कलर का व्हील दिखाई देगा. द व्हील रिप्रेजेंट्स अशोक चक्र विच इज टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर. सो ये जो व्हील है ये अशोक चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लायन कैपिटल से लिया गया है अशोक पिलर के, जो कि सारनाथ में है. द डायमीटर ऑफ द व्हील अप्रोक्सीमेट्स टू द विड्थ ऑफ द व्हाइट बैंड. सो ये जो डायमीटर है ये व्हाइट व्हील का, ये जो व्हाइट बैंड है उसके जो व्हील है उसका जो डायमीटर है वो व्हाइट बैंड के विड्थ के अकॉर्डिंग होता है. द व्हील हैज 24 spokes. व्हील में 24 spokes आपको मिलेंगे. देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट हाउ टू होज द तिरंगा. तिरंगे को फहराने के लिए, लहराने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं. बेस्ड ऑन द 26 जनवरी 2002 लेजिस्लेशन. सो 26 जनवरी 2002 लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बने हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही आपको तिरंगा लहराना है. एंड दे आर गिवन हियर, लेट्स रीड देम. द नेशनल फ्लैग मे बी होस्टेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कैंपस, स्काउट गाइड एक्सेट्रा, टू इंस्पायर रिस्पेक्ट फॉर द फ्लैग. सो ये जो नेशनल फ्लैग है इसे हम इन जगहों पे होस्ट कर सकते हैं, जो क्या करता है, नेशनल फ्लैग के रिस्पेक्ट को दिखाता है. एंड ओथ ऑफ एलिग जीन्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द फ्लैग होस्टिंग इन स्कूल. सो आप जो है इस फ्लैग होस्टिंग में क्या है, ओथ भी ली जाती है. नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ द पब्लिक, अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मे होस्ट डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल डेज एंड ओकेजन्स सेरेमोनियल और अदरवाइज कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग. So, कोई भी मेंबर पब्लिक में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो जो है नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकता है पूरे दिन या कुछ ओकेजन्स पे, किसी सेरेमनी पे, एंड उसकी डिग्निटी का ध्यान रखना उसका काम है. Sections 2 of the new code accepts the right of all private citizens to fly the national flag on their premises. So section 2 जो है इसमें एक नया रूल आया है, जिसमें जो लोग हैं अपने खुद के घरों के ऊपर भी नेशनल फ्लैग्स को लहरा सकते हैं. The national flag cannot be used for communal grains, drapery or clothes. National flag को हम communal grains, drapery या फिर clothes के रूप में यूज नहीं कर सकते. As far as possible, it should be flown from sunrise to sunset, irrespective of the weather. मौसम कैसा भी हो इसे जो हम sunrise से sunset तक ही लहरा सकते हैं. The national flag cannot be intentionally allowed to touch the ground or floor or trail in water. So national flag कभी भी जमीन को ना छुए, ना ही पानी में बहे, इसको ऐसे हम नहीं रख सकते. No other flag or bunting can be placed higher than the national flag.
हमारा जो नेशनल फ्लैग है उससे ऊंचा कोई और फ्लैग नहीं लगाया जा सकता। ऑल्सो नो ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फ्लावर और गार्लैंड और एम्बलम्स कैन बी प्लेस्ड ऑन और अबव द नेशनल फ्लैग। किसी भी तरीके के फूल या फिर मालाएं या फिर किसी तरीके का एम्बलम जो है नेशनल फ्लैग के ऊपर नहीं लगाया जाता, नहीं रखा जाता। द ट्राई कलर कैनॉट बी यूज एज फ्रीस्टून, रोसेटो और बंटिंग। तो फ्रीस्टून, रोसेटो और बंटिंग इन सारे कामों में नेशनल फ्लैग का जो ट्राई कलर है इनमें यूज नहीं किया जा सकता। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव लर्न सो मेनी फैक्ट्स अबाउट नेशनल फ्लैग एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग।